क्या बारिश बिल्कुल रुक ही नहीं रही, तिमके तिमके, आहा क्या मौसम, क्या मजा आ रहा है, आहा माशाल्लाह माशाल्लाह। सामने हमारा नारियल का पेड़ देखे कि कैसा पूरा धुल गया, आहा वो अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक हो गया जी न्यू ब्लॉग के अंदर। सुबह सुबह भाई मुर्गा दे रहा है आवाजें भाई, सुबह सुबह आवाजें नहीं दे। ठंड तो बढ़ती जा रही है भाई कराची के अंदर, शुक्र है कि अब मौसम अच्छा हो गया और फ्रेश होने वाला मौसम आ गया। पहले जाओ पसीने पसीने आते थे, आप लोगों को अब नहीं आएंगे, अब ठंड हो गई। अब ठंड से बचने के लिए अपनी जैकेट वैकटे मोजे वगैरह सॉक्स वगैरह ग्लव्स सब निकाल लें, क्योंकि अब ठंड आने वाली है कराची में। आपको पता है दो तो महीने होते हैं कराची में ठंड के, बाकी तो हम लोग गर्मी में मरते रहते हैं कराची में। जब आपके पास जगह ना हो बैठने की, जब आपके पास कुर्सी अवेलेबल ना हो, तो फिर आपको जुगाड़ करना पड़ता है, जुगाड़ करना पड़ता है। यूं देखेंगे कैसे जुगाड़ वाला कोई केबिन तोड़ के और ऊपर पटा रख के हम लोगों ने बैठने का इंतजाम बनाया हुआ है। नहीं तेरे को ये वाली मैं बिल्डिंग पूरी खरीद के दूंगा, ये जो ऊपर बिल्डिंग है ना, ये जो बिल्डिंग है ये पूरी तेरे को मैं ऊपर से लेके नीचे तक सारी खरीद के दे दूंगा। भाई बाल छाल कटा के दाढ़ी माड़ी कटा के हम लोग बन गए हैं पप्पू, पप्पू मतलब पप्पू समझ रहा भाई, हमारा कर रहा है भाई पौधों की कटिंग माशाल्लाह भाई। इसको तो आपने सही गोल शेप दे दिए, सारों को देखो भाई ने कटिंग करके बिल्कुल सारों को गोल शेप दे दिए। अभी आखिरी वाला रह गया मेरे ख्याल से, आखिरी रह गया कंप्लीट है, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। देखें अभी कट दिए, ये वापस कितने दिनों में वापस सही हो जाते हैं? पाँच छः दिन में वापस ये पत्ते बिल्कुल सही हो जाते हैं। आप बिल्कुल इसको शेप में दे दिए ताकि ये पूरे जैसे गोल होते हैं ऐसे गोल शेप होते थे, उस शेप में रख दे। शुक्र है हमारे फूल ने जो हमने कल दिखाए थे आपको, एक रेड और एक हमारा ऑरेंज कलर का। आज मौसम बड़ा ज़बरदस्त है और सूरज निकला हुआ है लेकिन बहुत कम निकला हुआ है। आज मुझे लग रहा है कि शायद बारिश वगैरह हो, क्योंकि ठंड भी हो चुकी है। तो बारिश होगा तो उसके बाद आपको पता है कि मौसम और ज़बरदस्त हो जाएगा, इन्जॉय करते हैं आपको पता है कि बारिश के अंदर। लेकिन ठंड बारिश होती है तो फिर वैसे इंजॉय नहीं हो सकते, कि गर्मी में तो इस बार बारिश हुई नहीं है बिल्कुल। आपको पता है कि गर्मी हमने आज इस बार ऐसे ही काट दी और बिल्कुल बारिश नहीं हुई। मानसून का जो मौसम आता है वो मानसून बिल्कुल इस बार आया ही नहीं। हम सोच रहे थे कि मानसून आएगा तो इसमें इंजॉय करेंगे, गर्मी में बारिश हो तो मज़ा आता है, लेकिन नदी में इसका मतलब हो जाता है। मेरे पीछे देखें कि आप कैसे धुंध छाई हुई है, क्योंकि धुंध की वजह यही है कि सूर्य सही नहीं निकला और थोड़ा मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है, ड्राई की तरफ जा रहा है, ड्राई ड्राई मौसम हो रहा है। और ड्राई मौसम के बाद आपको पता है कि थोड़ी बहुत बारिश होती है ताकि जो जम्स वगैरह होते हैं ये जो हवा के अंदर जो पोल्यूशन वगैरह होती है इससे बारिश से बैठ जाती है और मौसम थोड़ा चेंज हो जाता है। तो दुआ करें कि बारिश हो जाए ताकि थोड़ा वेदर वगैरह चेंज हो। माशाल्लाह कराची में हो चुकी है रहमत वाली बारिश स्टार्ट, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, अल्लाह पाक की तरफ से रहमत हो रही है और हमारे हाथ के ऊपर बारिश गिर रही है माशाल्लाह, अल्लाह पाक की कुदरत है भाई। फाइनली माशाल्लाह थोड़ी बारिश हुई और बारिश के बाद बड़ा ही खूबसूरत और ब्यूटीफुल सा व्यू हो गया और हमारे जो पौधे हैं माशाल्लाह क्या चमक रहे हैं, उनके ऊपर हल्का हल्का पानी गिरा है। देखेंगे माशाल्लाह इन पे भी देखें पानी गिरा है, कैसे चमक रहे हैं हमारे सारे जहाँ पर जो फ्लावर हैं सब बिल्कुल देखें हरे भरे हो गए हैं बारिश के बाद। और ये वाले पत्ते तो बिल्कुल ज़्यादा ही हरे भरे हो गए, इनके बारिश गिरी है तो बिल्कुल हमारे सारे फ्रेश हो चुके हैं। थोड़ी बारिश हुई लेकिन बहुत अच्छी बारिश हुई, मौसम बड़ा अच्छा हो गया, हवा चल रही है और ज़बरदस्त। हालाँकि रात के टाइम में फिर भी यहाँ पर जो परिंदे वगैरह हैं वो बोल रहे हैं, चीख चला रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं वेदर को जैसे हम लोग कर रहे हैं। थोड़ा बहुत ही पानी हुआ है, ये देखें हल्का बहुत पानी रोड के ऊपर हुआ है, यहाँ पर भी थोड़ा गिरा हुआ है। बारिश कम हुई इतनी नहीं हुई लेकिन मज़े करने वाली बारिश हुई है, अभी इसको एंजॉय करते हैं। ये हुआ कि बारिश हुई तो बाइक हमारी भी थोड़ा पानी गिर के गंदी हुई थी, ये कि इजीली साफ़ हो जाए। अब ये गंदी हुई है देखें कीचड़ वगैरह लगा हुआ, वैसे इजीली हमारी साफ़ हो जाएगी। हाँ भाई बिल्ली तूने एंजॉय किया? हाँ एंजॉय किया बारिश के अंदर? नहीं नहीं किया। अरे यार तो तू अंदर थी ना इसीलिए अभी आके तू यहाँ छांट रही अपने आप को, ले आती तो बारिश में एंजॉय कर लेती। अभी जाओ पानी में जाके एंजॉय करो जाके, बच्चा पार्टी देखे कि कैसे अंदर से छुप छुप यार एंजॉयिंग ऑन अ रेन। ये बच्चे भाई बारिश एंजॉय कर रहे हैं, अंदर छुपे जैसे हम छुपे हैं, ये भी अंदर छुप के एंजॉय करो वहाँ पर। और बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, लगता है कि बारिश आज खूब बरसेगी और खूब 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 एंजॉय करने वाला वेदर होगा। चेक करें कि अब बारिश बिल्कुल रुक ही नहीं रही है, तिमके तिमके, आहा क्या मौसम, क्या मज़ा आ रहा है, आहा माशाल्लाह माशाल्लाह। सामने हमारा नारियल का पेड़ देखे कि कैसा पूरा धुल गया, आहा वो बाढ़ तो भाई बारिश सारी देखे कि बिजली चमक रही है वहाँ पर। ये तो हमारे को स्केयर कर रही है, डरा रही है, लेकिन कोई बात नहीं, हम डरने वाले नहीं हैं और बारिश में इंजॉय करने वाले हैं। ये जगह घर, ये आवाज़ सुन रहे हैं आप, ये आवाज़ सुने आप खाली, अब बारिश की बूंदें चेक करें आप, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आ जा 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 लगता है सारी बारिश मेरी तरफ आ रही है। इब्राहिम ब्रिंग वन गिफ्ट फॉर मी, इब्राहिम दिस इज फॉर मी, यस रिमूव योर हैंड एंड से इज इट फॉर मी, यस दिस गिफ्ट फॉर मी, ओह थैंक यू सो मच।
इब्राहिम ने भाई मुझे गिफ्ट किया और कहा कि ये स्पेशल गिफ्ट मेरे लिए भाई। सर्दी आए और ठंड का मजा लेना और मछली ना खाए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अभी आए हैं यहाँ से मछली और झींगा वगैरह ले रहे, फिर इंशाल्लाह पीछे चलते हैं राशि से बनवाते हैं। बारिश हुई थी, बारिश के बाद आपको पता है कि मौसम VIP हो जाता है और गर्म चीज़ खाने का मज़ा ही अलग होता है। मार्केट में मौजूद है, यहाँ से मछली वगैरह लेते हैं और फिर चलते हैं और राशि से जाके बनवाते हैं। इसलिए देखिए मार्केट में रश भी हो गया है क्योंकि मछली खाने वाले की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अभी सीन है, मछली खा गए हैं, बड़ा मज़ा आया, इंजॉय किया, झींगा खाया, मछली खाया। एक सीन अभी हुआ लेकिन वो मिस हो गया, अगर व्लॉग में आ जाता ना वो बबल खा रहा हूँ मैं। ओ कसम से एक बंदे के भी टांगे खड़ी हो गई थी यहाँ पर ऐसा। अच्छा तो वो बंदा कौन था वो तो बता दो। जावेद था वो बंदा, उसके साथ ये देखो ये बता रहे किस्सा भाई, ये किस्सा बता रहे। किस्सा क्या है ये बल, क्या ये टेबल पे बैठा हुआ था इस पे। हाँ। मैंने केक मारी और ये हो गया बिल्कुल ऐसा, टांगे उड़े अल्लाह अल्लाह कर रहा था मुश्किल से। बस भाई यासिर आज पागल आया, जावेद को गिराया इसका ऊपर हवा में उड़ा दिया था इसको रात में। तो मैंने तारे दिखा यार, या आप रात को तो तारे होते, दिन में लोग तारे दिखाते। मैंने उठा दुकान, आपने रात को सूरज क्यों दिखाया? मैंने दुकान पर ही सर और यासिर के ऊपर देख तारे, यासिर खुशी के मारे खड़ा हुआ है। रात को सूरज दिखा दिया रात को जरार बहू गुड मॉर्निंग हो गया भाई, रात को तो थक गए थे तो व्लॉग की एंडिंग नहीं कर पाए। मैंने बोला थोड़ा प्रोसेस करके आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बारिश के बाद मौसम तो बड़ा जबरदस्त है, आज थोड़ी ठंड भी, हमने तो अभी जैकेट उतारी है क्योंकि धूप के मज़े ले रहे हैं। सर्दी थोड़ी आ चुकी है तो ख्याल रखे होना, क्योंकि मेरे को तो कल से नज़ला जुकाम और बॉडी पूरी ना बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आपकी बहुत वीक हुई हुई है। तो अपना ख्याल रखें, प्रोटेक्शन यूज़ करें, अपने आप की बॉडी को बिल्कुल प्रोटेक्ट रखें और इससे सेफ साथ अपने आप को सेफ रखें। और व्लॉग इसीलिए हम डेली बेसिस पे नहीं बना पा रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारी मसरूफियात हो गई हैं और टाइम ही नहीं मिलता कि टाइम निकालें और मोबाइल को उठाएं और व्लॉग बनाएं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि टुकड़ों टुकड़ों में बनाऊं लेकिन कंप्लीट करूं और आपको दिखाऊं और आपके लिए व्लॉग बनाऊं। बस आपकी मोहब्बत है, अगर आप ज़्यादा मोहब्बत करेंगे तो हमारे दिल में भी ज़्यादा मोहब्बत आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप व्लॉग बनाएंगे। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह हम आगे की तरफ जाएंगे और बढ़ेंगे। आप कोशिश किया कि खुद भी व्लॉग देखा करें पूरा और दूसरों से भी शेयर करके दिखाया करें कि वो भी पूरा व्लॉग हमारा देखा करें। अभी चलते हैं और व्लॉग को करेंगे एंड, क्योंकि अगला व्लॉग भी आपके लिए रेडी करें। तो प्लीज़ आपसे बड़ी 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 बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि इस व्लॉग को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ, जिस जिसके साथ आप शेयर करते हैं। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मेरे व्लॉग्स को देखा के। तो अभी चलते हैं, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी न्यू व्लॉग के साथ। जब तक के अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे वाले साहब के लिए भी ज़रूर दुआ किया करेगा, अल्लाह पाक उनकी अगली मंजिल आसान फरमाए और जन्नत में अला से अला मुकाम अता फरमाए और हम सबको भी मौत से पहले मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।